नमस्कार बहनों स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बहनों को एक अच्छी और नई जानकारी देने वाली हूँ जो कि सेविकाओं बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पोषण ट्रैकर में अब सभी सेविकाएं बहने अटेंडेंस तो बना लेती हैं लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाता है आकी जैसे एक ही नाम के दो या तीन या चार बच्चे हो जाते हैं वहीं पे बहनों को दिक्कत हो जाती है कि किन बच्चों का हाजिरी बनाए किन बच्चों का नहीं बनाए जबकि सेम नाम का बच्चा दो या तीन रहता है उनके माता पिता अलग रहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बहनों को इसी के बारे में बताने वाली हूँ तो वीडियो पूरा देखिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको पोषण ट्रैकर पर टच कर लेना है जैसे ही आप पोषण ट्रैकर पर टच कीजिएगा आपका ऐप इस प्रकार से खुल जाएगा जैसे कि यहाँ बेनिफिशरी डेली ट्रैकिंग और होम विजिट लेकिन आपको आज मैं डेली ट्रैकिंग में बताने वाली हूँ तो इस पर आपको टच कर लेना है यानी कि डेली ट्रैकिंग पे आपको टच कर लेना है जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपका फिर से ओपन इस प्रकार से हो जाएगा जैसे ही ओपन होगा आप यहाँ देख सकती हैं है क्लोज तो आपको यहाँ खोले पर टच कर लेना है इस पर फिर आप यहाँ देख सकती है कि यहाँ लिखा हुआ है कि अटेंडेंस मॉर्निंग स्नैक और एच आपको इस वाले कॉलम पे टच कर लेना है जैसे ही इस पे आप टच कीजिएगा बच्चे का नाम इस प्रकार से आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं तो दिक्कत क्या हो जाती है कि जैसे कि माँ बाप का नाम अलग अलग रहेगा लेकिन बच्चा का नाम एक ही जैसा मिल जाता है जैसे आयुष कुमार दो गो मिल जाएगा या आकृति कुमारी दो गो मिल जाएगी तो समझ में नहीं आता है कि, कि किस बच्चे का अटेंडेंस बनाए जैसे कि आप यहाँ देख सकती हैं कि वंदना कुमारी फिर वंदना कुमारी और फिर वंदना कुमारी तो दिक्कत यहीं पे हो जाता है कि कौन बच्चा आया है और कौन नहीं आया है तो आप यहाँ सिंपल देख सकती हैं कि यहाँ वंदना कुमारी जो लिखा हुआ है यहाँ छोटे से कॉलम में लिखा हुआ है रिंकू देवी यानी कि वंदना कुमारी का माँ का नाम यहाँ दिया हुआ है फिर यहाँ आप देख सकती है कि वंदना कुमारी तो यहाँ आ गया गुड्डी देवी तो इसी प्रकार से आप बच्चे के माँ का नाम देख करके ही आप बच्चे का अटेंडेंस आसान तरीके से बत, बना सकती हैं तो इसी प्रकार से आप पहले माता पिता का नाम मिला लीजिए उसके बाद जो बच्चा आया है आपके सेंटर पर उस बच्चे पर आप क्लिक करके और फिर आप बच्चे का अटेंडेंस इस प्रकार से बना सकती है फिर आप यहाँ सबमिट कर दीजिएगा उसके बाद फिर आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आप दो एक्टिविटी कराई है तो दोनों पे क्लिक कीजिए यदि एक कराई है तो एक पे क्लिक करके आप यहाँ सब्मिट कर सकती हैं तो इस प्रकार से आप बच्चे का अटेंडेंस बनाए माता पिता का नाम देख करके आप यहाँ देख सकती हैं कि यहाँ पाँचों एक्टिविटी मैंने पूरा कर लिया है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद